सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं पहला एक्टर हूं और बाकी लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जो, और मैं एक्टर नहीं, मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर ने पहले कह दिया था कि ये पहली फिल्म होगी, अगर सुपरहिट होगी तो ही सुपरहिट का पोस्टर बनेगा, अदरवाइज बाकी की तरह सुपरहिट का पोस्टर पहले नहीं बनेगा। तो इस फिल्म का जब सेकंड वीक में 52 सिनेमा में बिहार में चली तब हमने सुपरहिट का पोस्टर छपवाया। अभी तक बिहार में ये 70 लाख रुपए का बिजनेस कर चुकी है और डिस्ट्रीब्यूटर के अनुसार ये करीब करीब बिहार में 85 से 90 लाख रुपए का व्यापार करेगी। तो इस साल की सर्वश्रेष्ठ हिट फिल्मों में एक फिल्म हमारी भी है इच्छाधारी, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे को स्टार रानी चटर्जी, प्रियंका पंडित, देव पांडे, निर्माता दीपक शाह और अफकोर्स मैं और हमारी सारी टीम को, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, एक कड़ी मेहनत की है। तो बिहार में सुपर हिट हुई है और जिस तरीके से आप लोग खुद देख रहे हैं कि आज हमारा नवरंग सिनेमा हाउसफुल है, दर्शक इस तरीके से प्यार दे रहे हैं, हर जगह का हाउसफुल जा रहा है, तो इसी तरीके से प्यार देते रहें ताकि हम लोग इच्छाधारी पार्ट टू लेकर के जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में आए। रानी जी और प्रियंका जी आपके साथ क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोनों लकी चार्म हैं। रानी के साथ मैंने पहले काम किया था दरिया दिल में, हमने साथ में काम किया था, इसके बाद अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही थी जिसमें हम साथ नहीं आ पा रहे थे, पहली बार एक सशक्त कहानी मिली जिसमें हम साथ में आए। प्रियंका के साथ मेरा पहला अनुभव रहा ये फिल्म करने का, इसके पहले मैंने इनके साथ एक एल्बम किया था दिल लगा के बेवफा से, तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा था। लेकिन ये फिल्म करने के बाद मुझे लगा कि इंडस्ट्री की जब एक परिपक्व अभिनेत्रियों का नाम जब भी लिया जाएगा तो उसमें प्रियंका पंडित का भी नाम होगा। किरदार देखिए, अब तक नाग नागिन की जितनी भी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मली पूर्व जन्म पे आधारित होती है कि नाग नागिन मर गए हैं किसी वजह से, फिर पैदा होते हैं, बदला लेते हैं। हम लोगों की कहानी एक पहली एकदम अलग कहानी है जो पूर्व जन्म पे आधारित नहीं है, ये आज की कहानी है, नाग नागिन के मॉडर्न अवतार की कहानी है जो जंगल में है, दो लोग उसी के सेम शक्ल के लोग दोनों पृथ्वी लोग पे मौजूद हैं, तो पृथ्वी लोग पे आते हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके साथ क्रिएट होती हैं ये कहानी का ताना बाना बुना गया है। और नो डाउट रानी चटर्जी ने जितनी खूबसूरती से उस नागिन को जिंदा कर दिया है, परफेक्ट, अब तो मैं ये कह सकता हूँ रानी चटर्जी से बेहतर नागिन को है ही नहीं। और प्रियंका जैसे प्रियंका पंडित ने जिस तरीके से अपना चुलबुलापन के साथ रोल किया है, मुझे कहीं कहीं प्रीति जिंटा की याद दिला देती हैं, ये बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं, आगे भी हम लोग काम करते रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा फेंक रहा है यश? इसका मतलब यह हुआ कि मैं रानी की जो तारीफ कर रहा हूँ उस लायक नहीं है ये, गलत है क्या? नहीं, ऐसा फील हो रहा है कुछ ज्यादा फेंक रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूँ, ये लड़की बहुत झूठ बोलती है। वापस मेरे पे आओ। नागिन की बहुत फिल्में बनी है भोजपुरी में, बट लकी जी जो मैंने की है वो सुपर हिट है। एग्जैक्टली बात ये है। एंड जब मेरी पहली नागिन आई थी वो बहुत बड़ी हिट थी, उसके बाद जी उसके बाद मुझे काफ़ी ऑफर्स आए नागिन के, बट अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब यश ने मुझे पहला कॉल यश का मुझे आया था इच्छाधारी के लिए, और जब उन्होंने सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे लगा कि मैं वापस नागिन बन सकती हूँ और बनूंगी तो लोग पसंद करेंगे। और इस बात का मैंने ध्यान दिया कि नागिन में जो मैंने लुक लिया था वो उससे डिफरेंट लुक इस फिल्म में हो, और इसका पूरा श्रेय सिर्फ मैं खुद को दूंगी। एक चीज और था, रानी ने कहा मैं यहाँ यश टैटू लगवा लूँ, यहाँ लगवा लूँ, मैंने कहा कुछ नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो कि टैटू पे लोगों का दिमाग क्यों जाए, ध्यान क्यों जाए, तुम्हारी सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक तो दर्शकों को मार डालेगी। एंड नो डाउट क्रेडिट गोज यश मिश्रा, क्योंकि मैं बहुत जिद कर रही थी मैं नागिन का मुकुट पहनूंगी, मैं नागिन के टैटू बनाऊंगी, बट यश ने कहा नो, ओनली रेड बिंदी एंड रेड लिपस्टिक, दैट, और ये काम कर गया। थैंक यू सो मच यश, थैंक यू। आनंद जी, कुछ सवाल आपके भी। और रानी जी, सबसे पहले तो मुबारक हो, आप पहले आप इंसानों के साथ रोमांस करती थी, आजकल लाखों के साथ करती हैं। ऑफ कोर्स हीरो खत्म हो गए हैं ना सबका। यश मिश्रा, यश मिश्रा का यश की कोई सभी हीरो को ढूंढती हूं कि आप देखिए, ये तो हीरो का भी पावर है कि वो हीरो डबल रोमांस कर रहा है, कभी इंसान बनकर कभी नाग बनकर। एक्चुअली यश मुझे ऐसे सांप ज्यादा रोमांटिक लगा। ओहो, सही है, मैंने कहा कि मैं सांप के साथ ही रोमांस करूँ। असल जिंदगी में एक मिनट, मैंने कहा था कि रानी इसमें रियल सांप यूज हो रहा है, तो रानी का मैं फिल्म नहीं करूंगी, इतना डरती है ये सांप से। सीरियसली मेरी शर्त यही थी जब मैंने पहली भी नागिन की थी राजकुमार जी की, तभी भी कहा था नाग आएगा सांप आएगा तो मैं नहीं कर सकती, मैं फिल्म छोड़ दूंगी, एंड इसको भी यही मैंने कहा, बट इन्होंने मैनेज किया।
सांप ने जिस तरीके से इनके साथ रोमांस किया और इन्होंने उफ तक नहीं किया है, इनके साहस को इनसे अच्छा रोमांस किया है मेरे साथ। थैंक यू। हो गया प्रियंका का बाकी मुझे तो पूरी डर इनसे लगता है। तुम बोलो ना, सांप ने रोमांस किया ना इन्होंने रोमांस किया? नहीं, मुझसे पूछे तो बोलिए। बोलिए सर सवाल। हाँ, आपसे अभी जैसे कुछ लाइव पड़ा रानी जी का, आपसे किसी ने रोमांस में ना सांप ने ना इंसान ने क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, किसने कहा? मैंने तो किया, कोई करे ना करे मैं खुद कर लेती हूँ सामने से। इनको फुर्सत नहीं है नागिन से, मेरे को तो फुर्सत है तो मैंने खुद ही ट्राई मारा। प्यार में वफादारी निभा रहा था नागिन से, दिल लगा तो इनके साथ टाइम पास ही चल रहा था। मेरा किरदार जैसे मैं हूँ वैसा मेरा किरदार, जैसे चुलबुली मैं हूँ जितना मैं बोलती हूँ वैसा सेम किरदार है मेरा इस फिल्म में। ओके फिल्म देखते हैं।